स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर टा में। दोस्तों अगर आप अगले 10-12 साल के लिए अपना टारगेट रखते हैं 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का, लेकिन आपके पास लाखों रुपए नहीं है निवेश करने के लिए, आप जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं उससे आप मंथली बेसिस पर 30-40 हज़ार रुपये ही कमा पाते हैं, लेकिन आपका टारगेट अगले 10-12 साल के अंदर 1 करोड़ रुपये फंड बनाने का है, तो उस टारगेट को भी आप पूरा कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको अपने थोड़े से पैसों की सेविंग करनी होगी और एक निवेश प्लान करना होगा, जिससे आप कम पैसे से भी 1 करोड़ रुपए का फंड अगर बनाना चाहते हैं तो उस टारगेट को आप आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर आपके पैसे पर रिस्क ज़रूर है, लेकिन अगर आप एक सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पर कम रिस्क के साथ भी आप अपने किसी भी टारगेट को पूरा कर लेते हैं। उसके लिए आपको ये देखना होगा कि किस तरह से और कैसे किस फंड के अंदर पैसे को निवेश करना है, क्योंकि 4,500 से ज़्यादा प्लान में आप अपने लिए अगर 2 बेस्ट प्लान पिक करते हैं और कुल मिलाकर इसमें 5,000 रुपये निवेश करते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि इस 5,000 रुपये पर आपको कितना रिस्क लेना है और इसमें आपको कितना पैसा निवेश करना है। म्यूचुअल फंड में आपको शॉर्ट टर्म में करेक्शन मिल सकता है, लेकिन अगर आपका टारगेट होगा थोड़े से लॉन्ग टाइम यानी कि 8-10 साल पैसे निवेश करने का, तो फिर आपको करेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पहले भी मार्केट में आपको शॉर्ट टर्म में बहुत करेक्शन मिले हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट ओवरऑल 8-10 साल पैसे निवेश करने का होता है, इन सभी करेक्शनों को आप आसानी के साथ फेस कर पाते हैं और अपने किसी भी बड़े फंड बनाने के टारगेट को भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर हम अपने पैसे निवेश कर रहे हैं, SIP के थ्रू ही अगर हम निवेश कर रहे हैं, तब भी आपको ये देखना चाहिए कि किस तरह से आपको पैसे को निवेश करना है जिससे रिस्क भी कम हो और आपको रिटर्न काफ़ी बेहतर मिल जाए। तो यहाँ पर हम 2 फंड डिस्कस करेंगे और इसके अंदर अगर आप कुल मिलाकर यहाँ पर 5,000 रुपये मंथली निवेश करते हैं तो अगले 12-13 साल के अंदर दोस्तों आपके पास 1 करोड़ रुपये तक फंड बन सकता है। बस लगातार आपको हर महीने ये पैसा निवेश करना है। और दोस्तों ये दोनों ही प्लान हमने अलग अलग कैटेगरी के पिक किए हैं ताकि पैसे पर रिस्क भी कम हो और प्रॉफिट काफी अच्छा मिल जाए। तो दोनों फंड्स की डिटेल्स भी चेक करेंगे और कैलकुलेशन करके भी समझेंगे। तो अगर आप अपने लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, ताकि आप भी अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर पैसे को निवेश करके एक बड़ा फंड आसानी के साथ बना पाए। तो दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हमने दोस्तों 2 फंड पिक किए हैं SIP के लिए। इसमें हमने पहला फंड पिक किया है SBI का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर लगातार हमें रिटर्न काफी जबरदस्त मिला है और अभी भी हमारे पास यहाँ पर मौका है SIP के थ्रू इन फंड्स में पैसे को निवेश करने का, क्योंकि लगातार मार्केट अपने हाई लेवल टच कर रही है, जिसका फायदा आने वाले टाइम में आपको स्मॉल कैप फंड्स पर जरूर दिखाई देगा। तो दोस्तों इस फंड ने एनुअलाइज रिटर्न 26.84% दिया है, लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो रिटर्न 29.04%, लास्ट 3 ईयर में रिटर्न 25.16%, लास्ट 1 ईयर में 43.30% और 6 मंथ में फंड ने शानदार 22.72% का रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ पर इस फंड में रिस्क हमारे पैसे पर ज़्यादा है, क्योंकि ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का है। इसे मैनेज करने के लिए हमने अपना सेकेंड फंड पिक किया है HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और दोस्तों ये हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, यानी यहाँ पर पैसे को इक्विटी के अलावा डेट फंड में भी निवेश किया गया है, इसलिए पैसे पर रिस्क कम हो जाता है। अगर हम ओवरऑल रिटर्न की बात करते हैं तो फंड का एनुअलाइज रिटर्न 16.78% है, लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो फंड ने 19.69% का रिटर्न, लास्ट 3 ईयर में 24.98% का रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में 41% का रिटर्न और 6 मंथ में फंड ने शानदार 15.82% का रिटर्न दिया है। दोस्तों यहां पर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में हमारे पैसे पर रिस्क कम हो जाता है, लेकिन लगातार हमें एक स्टेबल रिटर्न मिलता है। अब यहां पर 2 फंड हैं, एक फंड जिसके अंदर रिटर्न है करीब 17% का और दूसरा फंड जिसके अंदर ऑल टाइम में रिटर्न है करीब 27% का, लेकिन इन दोनों प्लानों के अंदर एवरेज रिटर्न हमें मिल जाता है यहाँ पर 22% का। दोस्तों यहाँ पर 22% रिटर्न कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है अगर हम इसे एवरेज करके मानते हैं तो, लेकिन दोनों ही फंड के अंदर अगर आप 2500 रुपये यानी कि कुल मिलाकर 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपका टारगेट स्टार्टिंग सिर्फ 6 साल पैसे निवेश करने का है, तो 6 साल में यहाँ पर 5,000 रुपये मंथली निवेश करते रहने से कुल आप 360,000 रुपये का निवेश करके 749,000 रुपये का फंड बनाएंगे, इसमें 389,000 का रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं यहाँ पर
12 साल के लिए। तो दोस्तों 12 साल में कुल मिलाकर आप 7,20,000 रुपए SIP के थ्रू निवेश करके 35,22,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 28 लाख से ज्यादा रिटर्न होगा। लेकिन अगर आपका टारगेट 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का है तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 17 साल तक इस 5,000 रुपए SIP को कंटिन्यू करते हैं तो 10,20,000 रुपए का निवेश करके कुल आप 1,10,00,000 रुपए का फंड बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट इससे जल्दी 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का है तो अगर आप 10,000 रुपए मंथली निवेश करते हैं, यहाँ पर ज्यादा नहीं, अगर आपका टारगेट 1 करोड़ रुपए ही फंड बनाने का है तो इस टारगेट को आप 14 साल के अंदर भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों प्लान की कुछ डिटेल्स चेक करते हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फंड का पोर्टफोलियो, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पैसे को कहाँ पर निवेश किया गया है। इसमें अगर हम अपने SPV के स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो दोस्तों इस फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर 55 कंपनी शामिल है जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। इसमें अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो ब्लू स्टार, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, कल्पतरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, GNTD इंडिया लिमिटेड, शैलेट होटल, SPFC फाइनेंस, लेमन ट्री होटल, CMS इन्फो सिस्टम, यानी कि दोस्तों ये ऐसी कंपनी है स्मॉल कैप कैटेगरी की जिनके अंदर लगातार आपको एक शानदार ग्रोथ मिली है और अभी भी यहाँ पर आपके पास एक मौका है पैसे को निवेश करके एक बड़े फंड बनाने का। जबकि इस फंड के NAV नेट एसेट वैल्यू का प्राइस 197 रुपीज है। फंड की रेटिंग की बात करें तो शानदार 3 रेटिंग है और 28,375 करोड़ रुपए फंड का UM है। फंड के अंदर आप लमसम में 5,000 रुपए तक निवेश कर सकते हैं। जबकि दोस्तों अगर हम बात करते हैं अपने सेकंड फंड HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड के पोर्टफोलियो की तो दोस्तों इस फंड की पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर 349 कंपनी शामिल है जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। यहाँ पर इक्विटी के अलावा पैसे को डेट फंड में भी डाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉवरेन बॉन्ड्स के अंदर भी पैसे को निवेश किया गया है। इसके अलावा टॉप होल्डिंग में HDFC बैंक, कोल इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यानी कि दोस्तों बेहतरीन लार्ज कैप कैटेगरी की ये कंपनी शामिल हैं। इसमें कुछ स्मॉल कैप कंपनी भी हैं और कुछ मिड कैप कंपनी भी, और पोर्टफोलियो को काफी अच्छे से मैनेज किया गया है अलग अलग सेक्टरों के अंदर और अलग अलग इक्विटी में। जबकि फंड के NAV नेट एसेट वैल्यू का प्राइस 530 रुपीज है। फंड की रेटिंग शानदार 5 है। फंड के अंदर 86,471 करोड़ रुपए का UM है जो कि काफी बड़ा UM है। फंड के अंदर SIP में आप कम से कम 100 रुपए से भी निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दो बेहतरीन फंड थे, एक SPV का स्मॉल कैप फंड और दूसरा यहाँ पर हमारे पास था HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड। दोनों फंड्स के अंदर SIP अगर आप शुरू करते हैं और आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का तो यहाँ पर आप 1 करोड़ रुपए का फंड कम टाइम में भी बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।